हेलो बच्चों वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन जहां हम गैसेस स्टेट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं एडवांस के लिए वो डिस्कस करेंगे माइ सेल्फ जी सर फ्रॉम अन अकेडमी कोटा सेंटर ओके चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या है तो फर्स्ट क्वेश्चन आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन इज रूट सेवन टाइम्स दैट ऑफ आर एम एस ऑफ नाइट्रोजन इफ इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस तो बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आर एम एस hydrogen ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम हाइड्रोजन दैट इज टू तो ये क्या होगा टी हाइड्रोजन आर एम एस hydrogen ऑफ हाइड्रोजन इज रूट सेवन टाइम्स आर एम एस वोलॉसिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड दैट विल बी रूट थ्री आर टी बाई ट्वेंटी एट राइट right. वैसे तो यहाँ टू के जी पर मोल में लेंगे तो ट्वेंटू पा माइनस थ्री होगा इसको भी केजी पर में लेंगे तो यहाँ इंटू ट्वेंटू पा माइनस आउट हो गया ठीक है रिलेशन पूछा गया है दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो भाई ये आपका कितना हो गया सेवन बाई ट्वेंटी एट ये अपना कितना हो गया भाई ये हो गया वन बाई फोर वन बाई फोर उधर गया तो क्या टी एन टू की वैल्यू टू टाइम्स टी एस टू आ जाएगी डबल आ जाएगी आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी ये एसटीपी पुराना जेई का क्वेश्चन है एसटीपी पुराना वाला एसटीपी है बार नहीं वाला. तो आइडियल गैस का वॉल्यूम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर होता है लेकिन जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन वन है तो Z क्या होता है एस पर रियल गैस का वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन अपन ऑफ आइडियल गैस जो कि ओल्ड एस टीपी कंडीशन में क्या होता है 22.4 लीटर Z की वैल्यू क्या है लेस देन वन है तो क्या रियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम हो जाएगा बिकॉज Z इज लेस देन वन अगर Z इक्वल टू वन होता तो ये 22.4 होता अगर Z ग्रेटर देन वन होता तो ये 22.4 से ग्रेटर होता ठीक है ओल्ड जय क्वेश्चन ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ट प्रेशर वेर इज विम होती है और हमें बताया गैस की डेंसिटी क्या होती है पी एम अपॉन आर टी तो आर टी बाई एम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री पी बाई डी लिख सकते हैं आप प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो क्या ये वन बाई रूट डी के प्रपोर्शनलिटी होगी वन बाई रूट डी के प्रपोर्शनल हो गया सीधा सा क्वेश्चन ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हुआ है, one ATM pressure पे. प्रेशर क्या है प्रेशर कॉन्स्टेंट है मोल्स कॉन्स्टेंट ही होते हैं तो क्या वी वन बाई टी वन बराबर वी टू बाई टी टू के बराबर होगा v1 by T1 should be equal to v2 by t2. से कौन सी कंडीशन सेटिसन है ये टी वन है, है क्या लिए? ये v2 है और ये t2 है तो देखिए इसके लिए v1 वन बाई टी वन इक्वल टू वी होगा और किसी ऑप्शन के लिए v1 वन बाई टी वन वी टू बाई टी टू नहीं होगा जय के पुराने क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे तो. ये भी जई गई क्वेश्चन आगे आपके सामने देखिए क्या बोला जा रहा है पॉजिटिव डिविशन हो रहा है तो z क्या होगा एक से ज्यादा होगा

ठीक है तो ये जो ऑप्शन ए आधा सही था इसमें बोला गया है पॉजिटिव डिविशन में Z1 से ज्यादा होगा ये तो सही था लेकिन रिपल्शन होगा न कि अट्रैक्शन इसलिए गलत है अगला क्वेश्चन आ गया रूट मीन स्क्वायर वन मोल मोनोटॉमिक गैस मोलर मास रिलेशन बिटवीन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी e ऑफ गैस एंड u आर ठीक है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यू आर एम में रिलेशन पूछा जा रहा है तो एवरेज कैनेटिक एनर्जी क्या होती भाई एवरेज कैनेटिक एनर्जी एक आप अगर वन मोल गैस के लिए बात करें तो एवरेज का एनर्जी हो जाएगी थ्री बाई टू आर टी तो ये टू इन टू थ्री बाई टू आर टी अपॉन एम ठीक है का पूरे का रूट क्या ये यू आर एम एस हो रहा है क्या चेक करिए टू से टू गया अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम यस yes, ये तो सही है सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ट है इसमें बस आपको पता होना चाहिए एवरेज कैनेटिक एनर्जी थ्री बाई टू आर टी फॉर वन मोल एन मोल्स के लिए होता तो एन टू एन हो जाता ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बोला गया द रेशियो ऑफ रेट ऑफ ऑफ्यूजन ऑफ हीलियम हीलियम एंड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन वर्सेस हीन विल बी इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन बाई फोर दैट इज अंडर रूट फोर दैट इज टू इज टू वन तो आंसर क्या हो जाएगा बी आइडेंटिकल कंडीशन है तो so, आगे जो प्रेशर या मोल्स आते हैं वो कैंसिल आउट हो गए नेक्स्ट देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है ओल्ड जेई क्वेश्चन क्या बोला गया है एक ग्राफ दिया गया है है वर्सेस में अब आपसे बोला जा रहा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए क्या बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए सीधे में इनकरेक्ट में आ रहा है इसमें देखिए गैस बी इसकी बात हो रही है यह ग्राफ ऐसे ही जाता रहेगा स्ट्रेट लाइन ना आगे चल के ऊपर स्विंग होगा आगे चल के ऊपर स्विंग होगा ये कह रहे हैं फॉर द गैस बी इज इक्वल टू जीरो हर प्रेशर पे लीनियर होगा और ये हो जाएगा यहाँ जीरो तो पहली बात जो कह रहे किसी भी गैस का बी जीरो नहीं हो सकता बी कम हो सकता है बी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाई प्रेशर पर जाके एक्टिवेट होगा अगर ये कहते बी स्मॉल है तो यहां तक तो ठीक था बी जीरो बोला ये भी गलत है और ये कि भाई बहुत हाई प्रेशर पर भी लीनियर ऐसे चलता रहेगा क्या जेड जीरो हो जाएगा नहीं भाई जेड जीरो नहीं हो सकता हाई प्रेशर पर तो रिपल्शन होगा ही ठीक है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है इस क्वेश्चन को कई जगह पे गलत आंसर दिया हुआ है तो हमारे हिसाब से ये आंसर होगा प्रॉब्लम क्या है 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 ने ने जब का 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 ये जिस समय का पेपर है, है, का, उस समय पेपर उस ऑफिशियल आंसर की की नहीं देता था तो कॉपी चेक की माली? मुझे जो बेस्ट लग रहा वो मैंने आपको बताया ठीक ठीक अदर अदर टीचर्स एक्सप्लेनेशन हो सकता है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है Attractive क्या होता है एन स्क्वायर बाई लीजिए हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है ये आपको versus by v का ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए वैल्यू ऑफ वैंड कॉन्स्टेंट ए आपको बताना है ये ग्राफ दिया हुआ है ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे तो अब आपको पता होना चाहिए अगर हम एक मोल के लिए सॉल्व करें अगर बी जीरो है अगर बी जीरो है तो पी बराबर क्या हो जाता है पी बराबर बोलिए अगर हम एक मोल के लिए सॉल्व करें तो जेड बराबर क्या हो जाता है एक मोल के लिए अगर सॉल्व करें अगर बी तो जेड बराबर हो जाता है वन माइनस ए बाई वी ऐसा कुछ हो जाता है जेड वन से कम हमको Z चाहिए PVM चाहिए PVM चाहिए तो Z की जगह क्या रखा जा सकता है PVM वी बाई आर टी दोनों तरफ इसको आर टी से मल्टीप्लाई करिए तो हमें मिल जाएगा PVM वी एम इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी एम दोनों तरफ आर टी से मल्टीप्लाई किया तो इधर PVM हो गया इधर आर टी हो गया उधर आर टी आर टी कैंसिल हो गया तो बचा ए बाई वी एम पी वी एम वाई एक्स है वन बाई वी एम एक्स है तो क्या इसका स्लोप माइनस ए होगा और इसका स्लोप क्या माइनस ए हो जाएगा इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए क्या हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे स्लोप निकाल लेंगे स्लोप निगेटिव है निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी अब देखिए स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है हम यहां से हम हमको ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है इसके और इसके पता है और इसके पता है ना हाँ यहां से स्लोप आ जाएगा 21.6 से 20.1 आया तो स्लोप जो होगा वो कितना होगा बताइए ट्वेंटी पॉइंट अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस टू ये सॉल्व कर लेंगे ए की वैल्यू देखिए क्या आ रही है ये नीचे आ गया वन और ये वैल्यू क्या रही? तो आ रही है तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी वन पॉइंट फाइव आंसर आ गया ठीक है इजी क्वेश्चन है ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री तो इतनी थी बस एक क्वेश्चन लाना है इन दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो स्लोप आ जाएंगे स्लोप आ गया तो स्लोप इसके बराबर होगा किसके बराबर होगा स्लोप देना है, है. है देखिए ये आपको अगेन जेई का क्वेश्चन है ये आपको वैंडो इक्वेशन में देखिए ध्यान से ए मिसिंग है ए मिसिंग मतलब अट्रैक्शन मिसिंग है ये जो ये जो डेप आता है ये अट्रैक्शन के कारण आता है तो ये ग्राफ तो नहीं हुआ ठीक है ये जो ड्रिप आता है ये अट्रैक्शन के लिए होता है तो ये तो नहीं होगा डी नहीं होगा और ए नहीं होगा ये दो पार्ट चले गए क्यों क्योंकि तो इक्वेशन में ए मिसिंग है अब क्या किया जाए बी रिपल्शन के लिए होता है इसमें तो रिपल्शन भी नहीं दिख रहा है अट्रैक्शन भी नहीं रिपल्शन भी नहीं इसलिए ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होता है रिपल्शन के लिए तो इसका मतलब इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया सी अगला क्वेश्चन अगेन ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है खतरनाक क्वेश्चन है मेक इट वेरी क्लियर क्योंकि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है तो ये पहली बात तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये चीज दिमाग में गई आपकी ओके okay. अब अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये पीक के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है मोस्ट ट्रेवल और पीक के करस्पॉन्डिंग ही अब एवरेज आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट बराबर है तो एवरेज ही पीक आ जाएगा तो क्या मोस्ट रेबल और एवरेज इक्वल हो जाएंगे यस मोस्ट रेबल और एवरेज इक्वल हो जाएंगे तो आपको पहला है मोस्ट रेबल और एवरेज इक्वल हो जाएंगे मोस्ट रेबल और एवरेज इक्वल हो जाएंगे मोस्ट रेबल और एवरेज ये डिफरेंट है तो ये तो नहीं होगा ठीक है मोस्ट रेबल और एवरेज डिफरेंट है ये भी नहीं होगा तो अब बचे ये दो ऑप्शन ए और बी मोस्ट रेबल और एवरेज इक्वल होंगे ठीक दो ऑप्शन तक तो पहुंच गए अब आगे तीसरी वेलोसिटी जो दी गई रूट मीन स्क्वायर तो आर एम एस विलोट हमेशा एवरेज से मोस्ट मोस्टल से ज्यादा होती है है तो 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 यहां पर तीनों इक्वल दे दिया गया है, तो इसलिए दिस इज इस रॉन्ग आंसर तो क्या हो जाएगा बी खतरनाक क्वेश्चन है हाँ अब क्या बोला गया दो प्लास के एक्सो वाई एक की कैपेसिटी एक लीटर एक की दो लीटर है ठीक है एक की कैपेसिटी एक लीटर और एक की दो लीटर एक लीटर और दो लीटर अब क्या हुआ भाई दोनों को हमने एक मोल गैस से भर दिया यहां भी एक मोल गैस है यहां भी एक मोल गैस ठीक है।, है चलो टेम्परेचर ऑफ साउ सो एडजस्टेड एट द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्स इज ट्वाइस दैट इन वाई ओके तो अगर यहां टेम्परेचर टी है अगर यहां टेम्परेचर टी है तो क्या यहां फोर टी होगा बिकॉज वी आर एम एस इज प्रपोर्शनल टू इज प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ टी तो अगर टेम्परेचर चार गुना हो गया तो आर एम एस क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा ठीक यहां तक समझ में आया अब क्या बोला गया प्रेशर पूछा गया प्रेशर का रेशियो पूछा जा रहा है ठीक है ये एक्स है और ये वाई है कैसे सॉल्व होगा भाई तो प्रेशर ऑफ एक्स ओवर प्रेशर ऑफ वाई ये क्या हो जाएगा भाई नंबर ऑफ मोल्स दोनों में वन है वन और टेम्परेचर क्या है फोर्टी अपॉन वॉल्यूम वन लीटर Y में नंबर ऑफ मोल्स है, R, T, है? वॉल्यूम कितना दो लीटर ठीक है गया, गया, यहां बचा four, और यहां बचा हाफ, तो क्या हो गया एट टाइम्स हो गया आसान सा क्वेश्चन ठीक है पीवी को और कोई खास बात नहीं है और हमें पता होना चाहिए तो अगर इसको डबल किया है तो उसको चार गुना करना पड़ेगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कंटेनर है शुरू में दो मोल पी फाइव है और डिसोसिएशन ऑफ पीसीएल फाइव हुआ इस तरह से टेम्परेचर ऑफ कंटेनर तीन सौ है वॉल्यूम दिया हुआ है देन कैलकुलेट द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ कॉलम इफ द यील्ड ऑफ रिएक्शन सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट डिसोसिएशन हो गया ओके सिक्सटी परसेंट डिसोसिएशन हो गया ओके okay. अब देखिए शुरू में क्या दो मोल पी फाइव है फिल किया गया है कंटेनर में जहां दो मोल तो क्या हम 300 सौ कैलिन पर वॉल्यूम पता है तो क्या इनिशियल प्रेशर पी निकाल सकते हैं टू आर क्या होगा पॉइंट जीरो एट टू वन एन आर टी कितना है एन आर टी थ्री हंड्रेड अप वी कितना है सिक्सटीन पॉइंट फोर टू तो पी बराबर एन आर टी बाई वी ये टी कितना है तीन सौ शुरू के लिए सॉल्व कर रहे हैं इनिशियल के लिए पी बराबर एन आर टी बाई वी तो भाई इसमें 300 का जीरो गया एक जीर, दो जीरो गया तो 8.2 8.2 का डबल ये 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 दो जीरो साफ तो इनिशियल प्रेशर आ गया तीन एटीएम इनिशियल प्रेशर क्या आ गया बच्चों तीन एटीएम आ गया तो ये पीसीएल फाइव का भाई शुरू में जो प्रेशर है वो कितने एटीएम टी एम है तीन ए है ठीक है शुरू में जो प्रेशर है वो तीन एटीएम टी है ठीक चलो अच्छी बात है तो अब क्या हुआ अब क्या हुआ भाई सिक्सटी टूट गया तो तीन का सिक्सटी कितना होता है 1.8 1.8 चला गया तो ये कितना बच गया 1.2 ये कितना आ गया 1.8 ये कितना आ गया 1.8 टोटल करिए तो कितना हो गया 4.88m टोटल करिए कितना हो गया टोटल पी टोटल 4.88m तो अब ये लगा रहा है 4.8 बाहर से लग रहा होगा 180m तो यहां पर डिफरेंस आ गया होगा कॉलम में ये डिफरेंस आ गया h हाइट का ये h जो है ये किसको कोरिस्पोंड करेगा क्योंकि तो बाहर से लग रहा है 180m और यहाँ है भाई अपना 4.8 पॉइंट तो यहाँ पर और यहाँ पे प्रेशर सेम होना चाहिए तो इस लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर 4.8 पॉइंट एट माइनस वन थ्री पॉइंट 3.8 पॉइंटीएम के लिए कितना सेंटीमीटर जाएगा 76 सिक्स इंटू बताइए कितना होता है 76 सिक्स इंटू करना होगा क्या चलिए करते हैं भाई तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं 76 सिक्स इंटू यह आ जाएगा 288.8 यह आ जाएगा 288.8 एटी आंसर क्या हो जाएगा सी सिंपल सा क्वेश्चन है हाँ इसमें एक एजम्पन आपको यह लेना पड़ा कि भाई बाहर वन ए प्रेशर है उसके बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है हाँ यहाँ वन ए प्रेशर नहीं मैंशन है तो यह बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना पड़ेगा कि ओपन एंड मैनोमीटर है बाहर कुछ मेंशन नहीं वन ए चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल

वैंडर वाल कांस्टेंट ए पूछा जा रहा है ठीक और आपको बोला गया है बी को इग्नोर करो और आपसे क्या बोला जा रहा है बी को इग्नोर करो वेंडर वाल कांस्टेंट बी को इग्नोर करने के लिए बोला जा रहा है ठीक कैसे सॉल्व होगा देखिए 0.5 मोल डायटोमिक गैस प्रेजेंट है 10 लीटर के बर्तन में और प्रेशर आपको दिया हुआ है तो आप इससे जेड निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं जेड ठीक सिमिलर कंडीशन 0.5 मोल आइडियल गैस एग्जॉटेड 1 एडियम प्रेशर इफ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लेजल तो वैंडोवाल कांस्टेंट ए चाहिए कैसे सॉल्व किया जाए हाउ डू सॉल्व देखिए तो जेड क्या होता है जेड होता है जेड होता है पी वी एम और ये क्या होता है वी रियल गैस अपॉन वी आइडियल गैस और जेड होता है वन माइनस ए बाई ऐसा कुछ होता है क्या ठीक ये है अब आपको क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए आपको बताया गया है कि अगर ये गैस आइडियल होती तो आपका वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन आइडियल गैस वन एटीएम प्रेशर पर ठीक है अंडर सिमिलर कंडीशन पॉइंट फाइव मोल आइडियल गैस वन एटीएम प्रेशर एक्सर्ट करती अच्छा पॉइंट फाइव मोल आइडियल गैस वन एटीएम प्रेशर एक्सट करती आइडेंटिकल कंडीशन पर पॉइंट फाइव मोल 0.5 मोल 180 atm एक्जर्ट करती है और ये 0.5 मोल भाई साहब कितना प्रेशर लगा रहा है 0.96 तो z को मैसिव देते हैं p ऑफ रियल गैस अपॉन p ऑफ आइडियल गैस तो ये लगा रहा है 0.5 मोल 0.96 और आइडियल गैस होती तो ये लगाते हैं 1 इससे z आ गया इससे z आ गया इससे क्या आ गया z आ गया और 0.5 मोल गैस का वॉल्यूम 10 लीटर पता है r पता है t पता है अनन क्या है a ठीक तो है आपका ए आ जाएगा सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी इसका कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब जैसे आप इसको ये टर्म को ये टर्म को उड़ा कर भी डायरेक्ट z निकाल कर इससे सॉल्व कर सकते हैं इसकी जरूरत नहीं है ये तो मैंने अपने लिए लिख दिया ठीक अगला क्वेश्चन क्या है अंडर आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस विल बी द मोस्ट इजी टू सेपरेट अब देखिए H2 का मोलर मास कितना होता है टू और D2 का कितना होता है फोर या टू टाइम टैम्, टू टाइम्स का अंतर यहां पर बहुत कम अंतर है यहां पर भी टू टाइम्स का अंतर नहीं है यहां भी यहां तो दोनों सेम है तो ऑप्शन ए जहां मोलर मास में वेरिएशन ज्यादा है वहां पर उनको सेपरेशन करना आसान होगा क्योंकि डिफ्यूजन में जो भारी गैस होगी धीमे धीमे बाहर निकलेगी हल्की गैस तेजी से बाहर आएगी तो इनका सेपरेशन मास में डिफरेंस ज्यादा है उनका सेपरेशन आसानी से हो जाएगा

तो ये हो जाएगा फोर्टी एट प्लस एट फिफ्टी सिक्स तो अगर हमने एक मोल बर्तन में डाला था तो फिफ्टी सिक्स था तो लॉक हो गया अगर फिफ्टी ग्राम मास है का, तो वन मोल मिक्सचर का मास कितना होगा फिफ्टी सिक्स अल्फा और वन मोल मिक्सचर का मास है कितना? 20 का डबल, 40.

प्रेशर तो बदल रहा है टेम्परेचर बदल रहा है डेंसिटी इन टी बाई पी शुड बीवल टू एम बाई आर फिक्स हो तो हम रो वन टी वन बाई पी वन इक्वल टू लगा सकते हैं क्या रो टू टी टू बाई और हमको ये टी टू चाहिए हमको टी टू चाहिए टी वन रो वन पी वन पी टू रो टू गि सोल्व कर लीजिए आप नेक्स्ट क्या बोला गया है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ ऑफ मास आइडियल गैस इज इंक्रीज बाई टेन परसेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज अब देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया कॉन्स्टेंट प्रेशर तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर टीवी लगाइए तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा ठीक तो so, आपसे बोला गया है कि भाई टेम्परेचर को हमने टेन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में हमने टेन परसेंट बढ़ाया टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में टेन परसेंट बढ़ाया है डिग्री सेल्सियस ऐसे लिख सकते हैं वीस तीन डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवनटी थ्री लिखा जा सकता है यस ऑनो ठीक अब इस भाई को हमने टेन परसेंट बढ़ाया इस भाई को

कि वॉट इज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब हमसे पूछा जा रहा है V2 टू माइनस वी वन अपॉन वी हंड्रेड ये पूछा जा रहा है ये रेशियो क्या हमको V2 टू बाई पता है ये रेशियो पता है और इसके लिए सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लीजिए यू विल गेट दिस आंसर ठीक है ये V2 टू का ये रेशियो यहाँ पे यूज कर लीजिए ये आंसर आ जाए ठीक अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अगला क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास कई दस मोल गैस की दी गई है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ओके तो गलत है क्यों एक मॉलिक्यूल गैस की एनर्जी होती है थ्री बाई के टी। एक के। तो दस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी इंटू टेन तो क्या आगरा सही है नहीं फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस थ्री बाई टू के टी होती है कई फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस थ्री बाय टू के टी यस ये तो ट्रू है ये तो ट्रू है भाई सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दिस इज ट्रू फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस थ्री बाई टू के टी यस ठीक है ये ट्रांसलेशनल की ये कौन सी ट्रांसलेशनल एनर्जी एक मॉलिक्यूल गैस की थ्री बाई टू के साथ यू आर एम एस किसके बराबर होता है अंडर उम ठीक है तो यू आर एम एस किसके बराबर है अंडर उम ये भी सही है ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था और ओके और यहां के ही को डिफाइन किया गया है फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस ये तो ट्रू है डेली इफ टेम्परेचर इज डबल कीपिंग अदर की डबल होगा या आर एम एस इज प्रमोशनल टू अंडर अगर इसको डबल करेंगे तो क्या ये 1.414 टाइम्स होगा तो डेहली तो गलत है आगरा भी गलत है बी और सी सही है बी और सी सही है और अगर सिंगल चॉइस है सिंगल चॉइस है तो सी ज्यादा सही है क्यों बी में हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मानकर थ्री बाई टू के टी कर रहे हैं

प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी इस पूरे में अननोन क्या है बच्चों में वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए सॉल्व कर लीजिए वॉल्यूम के लिए सॉल्व कर लीजिए यू विल गेट द आंसर ठीक है हाँ इसमें एक आप ट्रिक लगा सकते हैं वो ट्रिक क्या है कि भाई देखो बी की वैल्यू आपको दीजिए जीरो पॉइंट वन फोर और वॉल्यूम हमारे जो दिख रहे हैं बीस लीटर दस लीटर चालीस लीटर हो सकता है ये टर्म इग्नोर हो जाए अगर ये टर्म इग्नोर हो गया तो आपके पास एक कैलकुलेशन में आसानी हो गई नाउ यू कैन राइट पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एन टू वी इज इक्वल टू एन आर टी और इससे आप वी के लिए सॉल्व करिए तो क्या चीजें थोड़ी मैनेजेबल हो जाएंगी आसान हो जाएंगी बिल्कुल आसान हो जाएंगी ठीक तो इससे चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी ठीक वॉल्यूम ऑकुपाइड बाई टू मोल गैस एट अच्छा इसमें एक और लफड़ा है इसमें बच्चों एक और लफड़ा है गैस का ए और बी दिया है गैस का ए और बी दिया हुआ है तो क्या हम गैस का बॉयल टेम्परेचर निकाल सकते हैं क्या हम गैस का बॉय टेम्परेचर निकाल सकते हैं गैस का बॉय टेम्परेचर क्या होगा ए बाई आर बी ए की वैल्यू कितनी फाइव पॉइंट सिक्स आर बोला गया है पॉइंट जीरो एट लेने को और बी कितना है पॉइंट वन फोर जरा सॉल्व करो कितना आता है जरा इसको सॉल्व करिए कितना आता है जस्ट मैं क्यों करा रहा हूं बताता हूँ आपको तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स 5.6 डिवाइडेड बाय 0.08 जीरो हो गया डिवाइडेड बाय 0.14 ये हो गया 500 हंड्रेड कैलविन ओके 500 हंड्रेड कैलविन में से दो माइनस कर दीजिए 273 सेवन ये हो गया 227 डिग्री सेल्सियस अरे भाई लफड़ा हो गया देखो 227 टू सेवन ओके अब देखो समस्या क्या हुआ मुझे कैसे पता चला लफड़ा हो रहा है लफड़ा ऐसे हो रहा है कि भैया ये क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है ये क्या बन रहा है वॉल्यूम में क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है अब हमसे आईआईटी मैथ्स में तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करवाता नहीं तो केमिस्ट्री में कहां से कराएगा क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व ठीक है तो उससे फिर मुझे समझ में आया लफड़ा हो रहा है भाई तो हमने तुरंत क्या किया बॉयल टेम्परेचर चेक किया तो गैस अपने बॉइल टेम्परेचर पे जब गैस बॉयल टेम्परेचर पर है तो क्या नॉर्मल प्रेशर पे लो टू मॉडरेट प्रेशर पे उसका जेड वन होता है जेड वन हो जाता है तो वो उसका पी वी PV, क्या एनआरटी को ओबे करने लगता है

अपॉन पी ये दिया हुआ हुआ है 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 तो ये दिया है, P, methane, दिया है, ये दिया दिया और SO2 का प्रेशर कितना है टू है और ये कितना हो गया फोर का रूट टू 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 कैंसिल हो गया तो पी की वैल्यू क्या आ गई फोर पी की वैल्यू क्या आ गई फोर बार वी गेट द आंसर अप्लाई द

कॉन्स्टेंट तो वॉल्यूम पे पी वीज इक्वल टू एनआर टी लगा दो बच्चों तो वी कॉन्स्टेंट है एन कॉन्स्टेंट है आर है और हम क्या? पी टू टी हो गया तो यहाँ पर पी की जगह टी स्क् रूट टी, टी के साथ हो गया अब आप टी बढ़ाओगे तो जेड वन वन बढ़ेगा जब आप टी बढ़ाओगे तो जेड वन वन बढ़ेगा तो बॉम्बे गलत हो गया कल कटा लैमडा प्रबूशन डू क्या होता है टी बाई पी और पी प्रबूषण टी है तो क्या ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये फिक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे लैमडा फिक्स हो जाएगा

एट टी इज इक्वल टू टीसी जेड इज लेस एट टी इक्वल टू टी सी जेड इज लेस दे रियल गैस एट ऑल प्रेशर नहीं भैया ऑल प्रेशर की गारंटी नहीं है एट टी बराबर टू देखिये अब क्या ये हमको पता है बॉयल टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर का रेशियो क्या ट्वेंटी सेवन बाई एट आता है yes. यस तो क्या यह बॉयल टेम्परेचर बाय जेड वन हो जाता है रियल गैस के लिए यह सही हो गया मोर देन टीसी रिपल्सिव आर ऑलवेज डोमिनेटिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इन द ऑल प्रेशर रेंज ठीक है तो अब आगे ध्यान से इसमें अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्सेज ऑलवेज डोमिनेट अब देखो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा तो रिपल्सिव डोमिनेट करती हैं तो ऑलवेज डोमिनेट ये थोड़ा गलत है ठीक है अब ये चीज कहां से पता चलेगी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ तो आप देखेंगे अगर टेम्परेचर से चार गुना ज्यादा है तो हम मान सकते हैं मान सकते हैं यह स्टेटमेंट सही होगा पर अगर डबल है तो स्टेटमेंट सही नहीं होगा तो इसके लिए आपको लॉ ऑफ करेस्पोंडिंग स्टेट का ग्राफ देखना होगा वहीं से डी ऑप्शन क्लियर होगा तो ये खतरनाक क्वेश्चन है डी पार्टी ठीक चलिए

वॉल्यूम को वॉल्यूम भी कांस्टेंट वॉल्यूम रखने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम रखने के लिए वॉल्यूम भी कांस्टेंट है कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक है तो है तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इनिशियल ट्वाइस है तो अब क्या हम कह सकते हैं एन टी फिक्स है एन वन टी वन इज इक्वल टू एन टू टी टू टी वन इज टू टाइम्स टू टू तो क्या मिला अपने को एन टू इज एन टू इज टू टाइम्स एन वन तो बाद में मोल्स पहले के डबल हो जाएंगे बाद में मोल्स पहले के डबल हो जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे में हो रहा है ठीक है कुछ अजीब सा क्वेश्चन है इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कॉन्स्टेंट है अब आप कहोगे सर दोनों कैसे कॉन्स्टेंट हो सकते हैं तो इसलिए क्योंकि रिएक्शन हो रही है इसलिए प्रेशर वॉल्यूम दोनों एक साथ कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर को हम एडजस्ट कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर बाद में पहले का आधा हो गया तो मोल्स को डबल होना पड़ेगा बिकॉज एन t इज टीस ठीक तो थोड़ा अलग हटकर क्वेश्चन था ये। अब क्या बोला गया है? गैस को तो डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि आइडियल गैस की जैसा बिहेव करता है लार्ज मोलर वॉल्यूम सही बात है इज करेक्टर इज करेक्टराइज बाई बी जो आइडेंटिटी पर डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर पर बिल्कुल सही द प्रेशर दैट इज लोअर देन प्रेशर एक्टेड बाई द सेम गैस गैस का प्रेशर याद करो प्रेशर करेक्शन दिया था वेंडोवाल ने क्या बोला था पी प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर तो करेक्शन में प्लस किया था बिकॉज प्रेशर कम था ज्यादा करोगे तो आइडियल जैसा होगा क्या इसलिए सही आंसर क्या हो गया आगरा कैलकता डेली ऑबियस आंसर ठीक चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड तो इसमें गलत क्या है गलत मैं पढ़ देता हूँ ई एवरेज इज डबल टेम्परेचर इज इंक्रीज फोर टाइम्स तो ई e जो होता है देखिये एनर्जी एनर्जी तो ए इज प्रोपोर्शनल टू टी तो अगर आप टेम्परेचर को फोर टाइम्स करोगे तो ई e भी फोर टाइम्स होगा ये डबल बोला गया तो क्या ये गलत है दिस इज रॉन्ग ठीक है इससे आंसर आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर और गैस का दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है टीसी ये क्या दिया हुआ है पीसी अब आपसे बोला गया गैस कैन बी लिक्विफाइड एट तो टी -सी के ऊपर तो नहीं होगी तो 440 पर तो लिक्विफाई नहीं होने वाली ठीक है और 420 के नीचे लिक्विफाई हो सकती है तो अगर मैं इसका कर बनाऊं तो इसका कर कुछ ऐसा आएगा एट फोर ट्वेंटी अगर मैं पी वर्सिज वी का कर तो यहां पर ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया और ये क्रिटिकल प्रेशर कितना हो गया भाई क्रिटिकल प्रेशर अकॉर्डिंग क्वेश्चन इज 30 बार और ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा ठीक है ये लिक्विड है यहां पर गैस है ये क्रिटिकल पैरामीटर्स हो गया ये क्या है फेज चेंज हो रहा है ये क्या है फेज चेंज अब बॉम्बे वी हैव 40 20 केल्विन एंड 40 बार तो फॉर 20 केल्विन एंड 40 बार हम यहां पर है बॉम्बे में हम यहां पर है बॉम्बे में हम यहां पर है तो क्या लिक्विड फेज में है बॉम्बे में हम यहां पर है कहां पर है लिक्विड फेज में बॉम्बे में लकाटा yes, में फोर ट्वेंटी कैलकटा में हम यहाँ पे गई ट्वेंटी एट यहाँ पर यहाँ पर किसमें गैस में लिक्विड में तो नहीं और अगर फोर टेन कैलविन एंड थर्टी बार की बात करें तो देखिए फोर टेन कैलविन एंड थर्टी बार तो बेसिकली अगर मैं फोर टेन केलविन पर फेज डायग्राम बनाऊ उसका मैं कलर बदल दू तो फोर टेन कैलविन पर यह कर ऐसा होगा फोर टेन तो फोर टेन केलवन थर्टी बार वी आर हियर तो क्या यहां पर अगेन लिक्विड में यहां पर अगेन लिक्विड में ये दो आइसू बनाए एक मैंने फोर ट्वेंटी रेड पर टेम्परेचर फोर वन जीरो है और येलो पर टेम्परेचर फोर ट्वेंटी है ठीक है ये स्ट्रेट लाइन है लिक्विड को बता रही है ये कर्व लाइन गैस को बता रही है तो इसमें बॉम्बे और डेली आंसर हो गया और कैलका में तो हम गैस में हैं और आगरा में 440 केल्विन एंड 300 बार तो भैया वो तो ऊपर होगा 440 ऊपर होगा और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो लिक्विड आएगा ही नहीं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं फॉलोइंग रिलेशनशिप ऑफ वॉल कॉन्स्टेंट ऑफ गैस इज आर करेक्ट ठीक है तो आप टीसी पीसी वैल्यूज रख के चेक कर लीजिए तो वी नो दैट हाँ हमको पता है भाई वोवल गैस का टीसी क्या होता है ए बाई ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर VC क्या होता है थ्री बी ईसी क्या होता है एट ए ओवर ट्वेंटी सेवन आर बी इसमें रख कर चेक करिए तो आगरा और बॉम्बे सही आ जाएगा देखिए इसमें रख दीजिए जगह ए बाई ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर ई की जगह पर एट ओवर ट्वेंटी सेवन आर बी सॉल्व करिए देखिए, बी की वैल्यू आ गई यस बी आ गया सब कट कुट कर बी आ जाएगा हो गया तो बॉम्बे सही हो गया ठीक है इसी तरह से यहाँ पर विसी की वैल्यू रख दीजिए थ्री बी की वैल्यू रख दीजिए एट ए ओवर ट्वेंटी सेवन आर बी सॉल्व करिए क्या ए आ रहा है यस yes, ए आ रहा है इससे वनडोवॉल कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा ए आ जाएगा ठीक अच्छा है अच्छा क्वेश्चन है ओके गुड आगे बढ़ते हैं क्या बोला गया है 400 ml N2 को कलेक्ट किया गया है पानी के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया गया है करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय ड्राई एन गैस इज वन ठीक है तो कैसे सॉल्व होगा भाई ऐसे सॉल्व होगा वो वेटर, वाटर का वेपर कितना है 25 टॉर तो 785 में से 25 माइनस करो तो क्या क्या 760 760 जो है क्या वो N2 के के कारण कारण हो हो जाएगा, N2 हो जाएगा? 1 ATM, सही हो गया. मोलर रेशियो ऑफ एन टू अपॉन मोलर रेशियो ऑफ एस टू ये आएगा पी एन टू पी एन टूट इज सेवन सिक्स एन टू भी बाई आर्टू.

देखो मिनिमम मास के लिए क्या मानना होगा मानना होगा कि भैया सारा का सारा वाटर गैस में चला गया लिक्विड में कुछ भी नहीं है ना और प्रेशर कितना लगा रहा है 25 लगा रहा है. So 25 है तो ट्वेंटी पी इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बर्तन का बर्तन का वॉल्यूम दिया हुआ है क्या 400 हंड्रेड एम एल एस पॉइंट फोर लीटर पी वी टू डब्ल्यू वाटर अपॉन एटीन इंटू आर इंटू टी आर कितना लेंगे पॉइंट एंड टेम्परेचर कितना लेंगे थ्री इससे वेट के लिए सॉल्व कर लीजिए क्या ये वेट 150 से ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है जरा कैलकुलेट करते हैं भाई थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें कॉम्प्लेक्स तो कैलकुलेशन है इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो दैट वेट कम्स आउट टू बी हाउ मच 25 फाइव डिवाइडेड बाई भाई तो बहुत कम आ गया अरे तो 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 बहुत कम आ गया तो क्या है? 150 ग्राम चाहिए मिनिमम मास या से से काम चल जाएगा, से काम चल चल जाएगा जाएगा तो नॉट रिक्वायर्ड ठीक है बच्चो? तो है बच्चों इसकी जरूरत नहीं गलत है ये नाउ वी कम टू नेक्स्ट द फॉलोइंग ग्राफ रिलेटेड इन करेक्ट कौन सा है VT एन कॉन्स्टेंट कर दो तो उसका स्लोप जो है प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी होगा इसका स्लोप ज्यादा है इसका स्लोप ज्यादा है स्लोप ज्यादा मतलब पी कम स्लोप ज्यादा मतलब पी कम तो पी टू ज्यादा बोला गया तो ये गलत हो गया तो डेली इज इस इन करेक्ट इसको सेलेक्ट कर ठीक है जो गलत ऑप्शन है मैं उसी को रिस्क कर रहा हूँ बाकी आप चेक कर लेंगे स्ट्रेट लाइन है पी वीक्वल टू एनआर टी और रही बात इसकी तो ये भी आप पी वर्सेस वन बाई वी का ग्राफ है इसको आप चेक कर सकते हैं ये वी वन बाई वी वर्सेज पी है क्या ये तो इस रिलेटेड इस आर इन करेक्ट ओके तो ये one by v वर्सेस p ठीक है चलो देखते हैं one by v वर्सेस p तो so, we know that p v is equal to क्या होता है n r t और n कांस्टेंट है t कांस्टेंट तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो so, p v is equal to कांस्टेंट हो गया तो so, अगर मैं one by v को y ले रहा हूँ तो one by v इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग भाई ये भी ऐसा ग्राफ तो आगरा भी गलत है आगरा भी गलत है बच्चों आंसर ए भी है डी आंसर ए और one by versus P में टेम्परेचर कांस्टेंट है और हाँ ये सही है अब इसका जो स्लोप होगा इसमें देखिए वन बाई वी और पी का ग्राफ बना रहे हैं उसका स्लोप जो होगा वन बाई वी और पी में वो प्रपोशल टू वन अपॉन एन आ जाएगा ये बिल्कुल सही है तो इसमें बच्चों आंसर होगा ए एंड डी आंसर क्या हो जाएगा ए एंड डी ठीक है आंसर ए एंड डी रेस्ट ठीक है बी और सी तो सही नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्या बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट द डेंसिटी ऑफ बाइडल गैस डिक्रीजेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर गैस इज कैप इन कंटेनर है सोलो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी अब इसमें बच्चों मूवेबल का मतलब प्रेशर क्या हो गया आर अब बोला जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी कम होगी so yes, बिल्कुल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ तो मीन स्क्वायर एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर सॉरी स्क्वायर स्पीड है ध्यान से सुनिएगा इट इज मीन स्क्वायर स्पीड एवरेज स्पीड नहीं है मीन स्पीड नहीं है मीन स्क्वायर मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है यू आर एम नहीं है यू एम है तो यू आर एम रूट मीन स्क्वायर क्या होती है रूट मीन स्क्वायर होती है अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम मीन स्क्वायर पूछा गया है तो मीन स्क्वायर क्या हो गया रूट नहीं लेना है तो मीन स्क्वायर स्पीड इज यू यू आर आर एम एम एस एस का U RMS का स्क्वायर क्या ये यू मीन स्क्वायर है यू मीन स्क्वायर है आर एम एस का स्क्वायर स्क्वायर तो मीन रूट नहीं लेना है ठीक है तो क्या ये अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है, है स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल टू टी है प्रोपोर्शनल टू टी है तो स्क्वायर रूट गलत दिया हुआ है ठीक है तो यहां ध्यान दीजिएगा मीन स्क्वायर है रूट मीन स्क्वायर नहीं रूट हटा हुआ है तो रूट हट जाने से सब गड़बड़ हो जाएगा ठीक है भाई तो बॉम्बे इज ंग ठीक है और डेली क्या है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और मोलर कारनेटिक एनर्जी विल बी सेम यस बिकॉज कारनेटिक एनर्जी क्या होती है थ्री बाई टू है बच्चों ओके गुड नेक्स्ट अब क्या बोला गया दो कंटेनर है इक्वल वॉल्यूम है इक्वल मास है गैस ए और गैस बी का उनको हमने टी केल्विन पर टू टीक एलविन पर सेपरेट कर रखा है रेशियो ऑफ टोटल कारनेटिक एनर्जी ए एंड बी का पूछा जा रहा है ठीक है इसमें फॉर्मुला क्या लगेगा टोटल कारेंटिक एनर्जी इज गिवन एज टोटल जो कारनेटिक एनर्जी होती है टोटल कार्नेटिक एनर्जी दैट इज गिवन है टोटल कार्नेटिक एनर्जी होती है ये हमारी थ्री बाई टू एन आर टी होती टोटल कार्नेटिक एनर्जी टोटल कार्नेटिक एनर्जी का रेशियो हम इस फॉर्मले से निकाल लेंगे ठीक है तो इससे आगरा बॉम्बे में हम रिजोल्व कर लेंगे सही है या नहीं है क्या लिखा रेशियो ऑफ गैस प्रेशर वो कैसे निकलेगा रेशियो ऑफ निकले गैस प्रेशर पी ए बाई पी बी ये कैसे निकलेगा ये निकलेगा हमारा एन ए आर टी ए बाई वी ए और एन बी आर टी बी बाई वी बी से तो इससे चल हमारा सही आ जाएगा और डेली रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड कहां से आएगा रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड जो रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड यू एवरेज ए एंड यू एवरेज बी ये होगा क्या अंडरवुड टी ए बाई एम ए इंटू एम बी बाई टी बी से आए इससे आप चारों पार्ट सॉल्व कर लेंगे सी आपका सही आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर हो गया बच्चों आगे बढ़ा जाए ओके देखिए, अब ये क्या है uh, which are, uh, Charles Law. Charles Law को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है भाई चार्ल्स लॉ इज इज इक्वल टू के तो Log और log t में ये रिलेशन आ जाएगा वेरिएबल हो तो हो तो होंगे नहीं वेरिएबल तो नहीं होंगे तो ये गलत हो गया टी वर्सेस t टी ग्राफ टी वी वर्सेज टी अब एक काम करते हैं v में, v में दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं t से मल्टीप्लाई करते हैं यहां आ जाएगा tv यहां टी स्क् ये टीवी क्या है वाई है टी क्या है एक्स है तो वाई बराबर के एक्स स्क्वायर क्या यह पैराबोला हो गया यस ये भी सही हो गया तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया आगरा बॉम्बे दिल्ली नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ने देखिए क्या है गैसियस मिक्सचर है क्लोज रिजिड कंटेनर में पड़ी हुई है और इसको हमने क्या किया हीट किया और प्रेशर चार गुना हो गया भाई प्रेशर क्या हो गया चार गुना हो गया अब आपसे पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है रिजिड क्या है रिजेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी पी प्रबोशनल टू टी होगा तो यहां पर मैं पी प्रबोशनल टू टी लगा दू तो फ्रेश प्रबोशनल टू पी कर दू तो ये रूट पी हो जाएगा तो अगर इसको हमने फोर टाइम्स किया तो क्या ये डबल हो जाएगा डबल होगा यहां बोला गया है फोर टाइम्स तो क्या आगरा रॉन्ग हो गया आगरा रॉन्ग हो गया कोलिजन टू टाइम्स हो जाएगा यस, yes, बॉम्बे सही हो जाएगा लैमडा टू क्या होगा हो तो, हो सेम होगा ठीक है और टोटल पोलिजन मेड बाई ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर बिकम्स डबल द वैल्यू ये बात हैं किसकी जेडवन की बात करें जेड वन की और जेड वन किसके प्रपोशनल होता है जेडवन

तो अब इसकी डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगी डी बाई टी और उसकी डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगी ट्वेंटी फोर माइनस डी बाई टी सेम टाइम में वो ट्वेंटी फोर माइनस डी आया डी गया एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एम टू बाई एम वन तो एक्स का मासको एम ये वाई इधर आ जाएगा एम एक्स इधर आ जाएगा एम वाई और एम एक्स की वैल्यू रख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी की वैल्यू सिक्सटीन सिक्सटीन डिस्टेंस पर वो जाकर मुलाकात करेंगे

हम जिस वैल्यू पर एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां तक नहीं पहुंची पहले ही लगे क्योंकि भीड़भाड़ ज्यादा है मॉलिक्यूल्स में टक्कर बहुत ज्यादा हुई ठीक है बच्चों ओके ओके लेट्स कम कम टू टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा नाउ वी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्या बोला जा रहा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट आइडियल गैस इज फाउन टू अब एंड एडियाबेटिकल पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्सटेंट एडिशनल लॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गैस इज इनिशियली एट इनिशियल टी वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज एक्सपैंडेड टू टू वी फाइनल टेम्परेचर अब देखो बेटा अपने को पी वी में रिलेशन दिया हुआ है और टी वी में रिलेशन पूछा जा रहा है तो आप क्या करिए पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट में पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में आप क्या कर सकते हैं क्या हम पी की जगह पर एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो देखिए ध्यान से ये हो गया टी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एम आई राइट क्योंकि एन तो कॉन्स्टेंट है आर कॉन्स्टेंट है तो एन और आर कॉन्स्टेंट में डिवाइड होकर क्या हो गए हो गए तो हमें रिलेशन क्या मिला इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब इक्वल टू कॉन्स्टेंट में अगर हम वॉल्यूम को डबल करेंगे तो टेम्परेचर क्या, तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा वॉल्यूम को डबल करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आधा बिकॉज टी वन री वन इक्वल टू टी टू वी टू सॉल्व हो गया क्वेश्चन क्या बोला गया है वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज एक्सपेंडेड टू टू वी देन फाइनल प्रेशर इज अब देखिए क्या वन वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू एंड टू वी वन स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए पी वन वी वन स्क्वायर बराबर पी टू वी वन स्क्वायर और यहां टू स्क्वायर फोर को मैंने इधर भेज दिया वी वन स्क्र वी वन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पी टू इज पी वन बाई फोर पी टू क्या हो गया पी वन बाई फोर हो गया ठीक है इजी क्वेश्चन है अब आगे आपसे पूछा जा रहा है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये तो हमने पहले ही देख लिया इट्स टी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द कम्प्रेशन फैक्टर फॉर वन मोल वैंडावल गैस एट जीरो डिग्री एंड हंड्रेड ए टीम इज पॉन टू बी पॉइंट फाइव ये क्या दिया हुआ हैजेबल मतलब कह रहे हैं ए को इग्नोर करिए वैंडावल कॉन्स्टेंट ए को इग्नोर करिए ठीक है सॉरी वैंडावल कॉन्स्टेंट बी को इग्नोर करिए साइज के लिए क्या होता है बी बी को इग्नोर करिए ठीक है वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो नेग्लेजिबल है ना बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो अब कहा जा रहा है कैलकुलेट वेंडोवॉल कॉन्स्टेंट ए बताइए वॉल कॉन्स्टेंट ए बताइए कैसे सॉल्व होगा Z इज इक्वल टू क्या होता है वन माइनस ए बाई वी एम आर टी और Z क्या होता है Z होता है पी वी एम बाई आर टी ठीक है तो आपको वन मोल की बात हो रही है वन मोल आपको क्या क्या दिया हुआ है भाई आपको प्रेशर दिया हुआ है टेम्परेचर जेड दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है आर पता है तो क्या इससे वी एम आ जाएगा इससे वी एम आ जाएगा इससे क्या आ जाएगा वीएम आ जाएगा ठीक अब आगे यहाँ पर वी एम आ गया आर पता है टी पता है Z पता है तो इससे क्या आ जाएगा ए सॉल्व कर लीजिए ए की वैल्यू आ जाएगी आंसर आ जाएगा ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 400 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेटेड आर एम एस वेलॉसिटी एट सेम टेम्परेचर ठीक है अब एवरेज और आर एम एस में क्या रिलेशन होता है तो वेल यू आर एम एस ज इक्वल टू अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम एंड यू एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट एट आर टी बाई आई एम दोनों को डिवाइड कर दीजिए एम से एम गया आर टी से आर टी गया यू एवरेज गिवेन है यू आर एम एस चाहिए और आपको क्या अंडर रूट थ्री बाई एट पाई की वैल्यू निकाल लेंगे निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ड्रेड गैलविन पर आर एम एस स्पीड गैस की आ, बोली गई है मोस्ट ट्रेवल स्पीड के बराबर है आपको मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस वाई चाहिए ठीक है तो पहले तो हम गैस एक्स के लिए आ, गैस एक्स के लिए आर एम एस स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं अंडर रूट थ्री आर टी कितना है भाई टी कितना है टेम्परेचर फोर हंड्रेड गैलविन अंडर रूट थ्री आर टी भाई एम एक्स ये हो गई आर एम एस इज इक्वल टू मोस्ट ट्रेवल स्पीड क्या होती है अंडर रूट टू और टी कितना है 60 अपॉन एम वाई भाई आर एम एस क्या होती है अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम और मोस्ट ट्रेबल क्या होती है अंडर रूट टू आर टी बाई एम बस फॉर्मूला लिख दो अब आपको एम वाई चाहिए क्या चाहिए एम वाई चाहिए आर से आर गया एम एक्स की वैल्यू क्या रखनी है एम एक्स की वैल्यू एम एक्स की वैल्यू आपको दी गई है फोर्टी ये क्या दी गई है फोर्टी तो ये एम वाई चाहिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन एक लाइन में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है एक खाली बर्तन है सब मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है अंडर एक्सटर्नल प्रेशर वन एटीएम पॉइंट वन मोल ही कंपाउंड ठीक है अब बेटा ये देखो ध्यान से देखो अननोन कंपाउंड वेपर प्रेशर पॉइंट सिक्स एट ये वेपर प्रेशर किसका है भाई वेपर प्रेशर है पॉइंट वन मोल आपका हीलियम है और एक मोल अननोन कंपाउंड है एक मोल क्या है अनोन कंपाउंड तो अब देखो बेटा इसको कैसे करोगे इसको ऐसे समझो बाहर से लग रहा है 1.8 atm तो अंदर भी क्या होगा 1.8 atm अंदर क्या है हीलियम है और कोई अननोन कंपाउंड x है इस x का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.68 atm तो इसका मतलब हीलियम के कारण कितना होगा 0.32 atm तो हीलियम का प्रेशर आ गया 0.32 atm अब हीलियम के मोल हमने कितने लिए थे 0.1 हीलियम का प्रेशर 0.32 वॉल्यूम v हीलियम के मोल 0.1 r 0.0821 लीटर atm में और टेम्परेचर बच्चों को कितना दिया हुआ है टू सेवेंटी थ्री ये वॉल्यूम लीटर में चाहिए एक लाइन में सॉल्व हो गया आंसर आ गया ठीक यहाँ पे डाउट आता है स्टूडेंट्स का सर हमने एक्स को क्यों इग्नोर मारा क्योंकि एक्स के साथ समस्या क्या है एक्स गैस में भी है और एक्स लिक्विड में भी है अब एक्स के जो पॉइंट वन आपके एक्स के जो एक मोल है इनमें से कितने वेपर्स में है वो अपने को नहीं पता क्योंकि कुछ लिक्विड में भी कुछ वेपर्स में भी तो एक्स के एक मोल को नहीं देखना है

अंडर रूट एम टू बाई एम वन आइडेंटिकल कंडीशन में वेपर्स फोर बाई थ्री टाइम फास्टर भाग रहे हैं तो ये आर टू बाई आर वन ये फोर बाई थ्री टाइम अंडर रूट ठीक है तो आपके वेपर्स जो हैं वन ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं तो ऑक्सीजन का एम टू ऊपर और वेपर्स का वेपर्स का एम इधर ठीक है डेंसिटी ऑफ वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस वेपर्स की डेंसिटी एम वेपर्स की मोलर मास जो एम वन वो हमारा आर वन के करस्पॉन्डिंग नीचे आ गया इसको सॉल्व करना इसको सॉल्व करेंगे भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो सिक्सटीन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा भाई टू और ये क्या हो जाएगा अपना नाइन तो एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी एटीन एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी एटीन पहले पार्ट का आंसर आ गया एटीन ग्राम पर मोल अब आपसे मोलर वॉल्यूम पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम ठीक एक मोल का वॉल्यूम कैसे आएगा भाई आपको डेंसिटी दी गई है कितनी दी गई है डेंसिटी दी गई है मोलर मास पता है तो एक मोल का मास पता है डेंसिटी पता है डेंसिटी ऑफ वेपर दिया गया है तो अब आप क्या करेंगे भाई डेंसिटी के लिए ठीक है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी पता है मास पता है तो वॉल्यूम आ जाएगा क्यों भाई डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस एट दिस टेचर इज दिस वेपर स्मॉल दिसमॉल फास्टर दैन दिस मोलर वॉल्यूम चाहिए कंप्रेशन फैक्टर जेड चाहिए और कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल है ओके ठीक है चलो देखते हैं ये आपको वन ए क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है टी अब हमको पता है जेड इज इक्वल टू क्या होता है पी वी एम बाई आर टी जेड क्या होता है पी वी एम बाई आर टी आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पे पता है वी एम आपने निकाल लिया आर पता है टी पता है इससे जेड आ जाएगा जेड की वैल्यू क्या जाएगी? More than one आ जाएगी मोर देन वन आ जाएगी जेड की वैल्यू सॉल्व करिएगा तो आपकी जेड क्या हो जाएगी मोर देन वन आ जाएगी जेड मोर देन वन का मतलब क्या हो गया रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ठीक है बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन था ये क्या बोला जा रहा है डिफ्यूजन कोफिशियंट ऑफ आइडियल गैस ये भी एडवांस का क्वेश्चन है डिफ्यूजन कोफिशेंट को डिफाइन किया गया है

आइडियल गैस का टेम्परेचर चार गुना बढ़ा दिया और प्रेशर को दो गुना कर दिया तो टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया फोर टाइम्स कर दिया तो फोर पे पावर थ्री बाई टू और प्रेशर को डबल कर दिया टू स्क्वायर ठीक है भाई तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स तो बोला जा रहा है कि ये आपका एज अ रिजल्ट डिफ्यूजन कोफिशेंट ऑफ ए गैस इनक्रीजेज एक्स टाइम्स तो लैमडा प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी होता है ठीक है और प्रेशर हमने दोगुना कर दिया और ओके okay, तो ये टी टू पावर थ्री बाई टू बाई पी हो गया तो ये भाई पी को हमने डबल किया है ना हाँ तो ये आपका फोर पे पावर थ्री बाई टू ठीक वैल्यू ऑफ एक्सेस तो, तो समझिए कैसे सॉल्व होगा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी होता है ठीक है तो जब हमने टेम्परेचर को जब चार गुना कर दिया तो टी तो फोर टाइम्स हुआ लेकिन पी के साथ क्या होगा पी को डबल ही किया है हमने वॉल्यूम वगैरह एडजस्टमेंट करके पी को फोर टाइम्स नहीं किया पी को डबल ही उन्हें दिया ठीक है ये फोर टाइम्स हो गया ये डबल हो गया तो क्या ये ये फैक्टर ऑफ टू हो गया देखिए ये फैक्टर ऑफ क्या हो गया टू हो गया ये फोर ये टू तो ये फैक्टर ऑफ टू हो गया और ये फोर फोर का रूट कितना होता है टू तो टू इंटू टू क्या हो गया फोर तो की वैल्यू क्या हो गई फोर की वैल्यू क्या आ गई फोर समझ में आई बात समझ में आई बात क्या किया टी को फोर टाइम्स किया टी को डबल किया तो फोर बाई टू क्या हो गया टू और ये फोर टाइम्स हुआ तो फोर का रूट क्या हो गया टू टाइम हो गया टू इंटू टू फोर ठीक चलो अगला क्वेश्चन क्या है क्लोज टैंक है इसमें दो कंपार्टमेंट है ए और बी दोनों में ऑक्सीजन भर दिया गया आइडियल गैस है पार्टीशन सेपरेट किया गया है सब कहानी सुनाई गई है अब बोला क्या गया निकालना क्या है निकालना क्या है द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ द कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट ए का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम चाहिए जो शुरू में वन मीटर क्यूब था इसका नया वॉल्यूम वी चाहिए अच्छा ये वन प्लस थ्री क्या है फोर है अब इसका वी हो गया तो क्या इसका फोर माइनस वी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा फोर माइनस वी हो जाएगा ठीक ये समझ में आया हमको ये वी चाहिए हमको क्या चाहिए वी चाहिए ठीक तो अब इसमें क्या हुआ भाई इसमें हमने कहानी ये है कि इधर गैस है चार सौ पर इधर तीन सौ पर अब ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इधर प्रेशर ज़्यादा है तो पिस्टन इधर मूव करने लगेगा पिस्टन इधर मूव करने लगेगा और इधर टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या होने लगेगा कम होने लगेगा इसका 400 हंड्रेड से कम होकर टी कैलविन हो जाएगा इसका 300 सौ से बढ़कर कितना हो जाएगा टी कैलविन हो जाएगा ठीक तो इसमें देखिए बोला गया है कि इसमें दो कंपार्टमेंट में द को डो इज फिक्स एंड इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर द ओल्ड पार्टी इज रिप्लेड बाई न्यू पार्टी स्लाइड एंड कंडक्ट हीट देखिए कंडक्ट हीट पार्टीशन जो है हीट कंडक्ट कर सकता है हीट इधर से इधर जाएगा ठीक है अब आगे द वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट ए आफ्टर द अब कैसे सोल्व किया जाए इसको देखो कैसे सोल्व किया जाए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बच्चों पास इतना सा है इसमें जो गैस के मोल्स होंगे वो फिक्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे जितने मोल्स यहाँ हैं उतने मोल्स यहाँ रहेंगे इसमें जो गैस के मोल्स हैं शुरू में और बाद में इधर जो गैस के मोल्स हैं चेंज होंगे सेम रहेंगे सेम रहेंगे यही है बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे मोल्स बताइए शुरू में कितने है p कितना है 5 v कितना है 1 अपॉन r t कितना है 400 बाद में यहाँ मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा p वॉल्यूम कितना हो जाएगा v अपॉन r t अच्छा इधर p है तो क्या इधर भी p रहेगा अब जरा इसके लिए इक्वेशन लिखिए शुरू में प्रेशर कितना है वन वॉल्यूम कितना है थ्री अपॉन आर टी कितना है थ्री हंड्रेड बाद में प्रेशर कितना हो गया पी वॉल्यूम कितना हो गया इसका फोर माइनस वी अपॉन आर इंटू क्या हो जाएगा आर इंटू नया टेम्परेचर टी इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो ये पी और ये पी गया ठीक है ये टी और ये टी भी गया अननोन इस पूरे में क्या रह गया वी अननोन इस पूरे में क्या रह गया वी एक इक्वेशन एक अनोन वी के लिए सॉल्व कर लीजिए आंसर आ गया ठीक अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का करो दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम जीरो और निकालना क्या है बच्चों निकालना क्या है न्यूक्लियस पोटेंशियल एनर्जी जीरो इलेक्ट्रॉन न्यूक्सो वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी इन किलोजुल मोल फॉर डी इक्वल टू डी नॉट अच्छा डी इक्वल टू डी नॉट के लिए नेट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ठीक है ओके okay. अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन गैस स्टेट का क्वेश्चन नहीं बच्चों ये क्वेश्चन किसका है एटॉमिक का है तो आपने इसको अटोमिक में तो इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और बेसिकली कैसे सॉल्व करोगे इसको इसको इस तरह से करोगे Go.

इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है e, ई तो ई e, ई e पता है के की वैल्यू क्या होती है नाइन इन टू पावर नाइन पोटेंशियल एनर्जी ऐसा यूनिट्स में आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक चलो अगला क्वेश्चन क्या है एक कंटेनर है बीस लीटर कैपेसिटी का इसमें नाइट्रोजन है वाटर वेपर है और इसमें हमने क्या किया इक्लिब्रियम है लिक्विड वाटर को हमने डिकम्पोज करा दिया एस और ओ में बाई एनी मीन्स विदाउट एनी चेंजिंग टेम्परेचर विद फाइनल प्रेशर वन हो गया अच्छा पहले भाई प्रेशर कितना था पहले प्रेशर पता था क्या पहले वन ए एम था अभी कितना हो गया वन पॉइंट एट सिक्स हो गया तो बीस लीटर का बर्तन है एन टू है वाटर वेपर है ठीक है मास ऑफ लिक्विड वाटर प्रेजेंट इनिशियली ठीक है बीस लीटर का बर्तन है इसमें एन टू है वाटर वेपर है नेगलेजिबल बट सफिशेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर है अब हमने क्या किया इसको डिकम्पोज करा दिया कम्प्लीटली इंटू एस टू एन टू बाई एनी मीन्स

वाटर का वेपर प्रेशर क्या मान लेते हैं पी तो ये वन एटीएम प्रेशर में एन टू है और वाटर है अगर इसका वेपर प्रेशर पी है तो क्या इसका वेपर प्रेशर इसका प्रेशर वन माइनस पी एटीएम हो जाएगा ये पार्शियल प्रेशर हो गए दोनों के ठीक है ये वन एटीएम है अब फाइनल प्रेशर कितना हो गया वन पॉइंट एट हो गया तो वन किसके कारण होगा जो लिक्विड वाटर है वो डिसोसिएट होगा और गैसियस वाटर है वो भी डिसोसिएट होगा तो अब इसको कैसे करना है देखिए एस टू ओ लिक्विड डिसोसिएट होगा या एस टू जो भी है डिसोसिएट होगा में जाएगा एस टू प्लस हाफ ओ टू में गैस के लिए देखते हैं तो अगर इसका प्रेशर पी है तो भाई बच्चों इसका प्रेशर क्या आ जाएगा पी और इसका क्या जाएगा? P by 2 आ जाएगा पी बाई टू आ जाएगा हेमा राइट ये साफ हो गया वन से वन आएगा तो इसका पी और इसका पी बाई टू आएगा तो भाई इसका प्रेशर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू पी हो जाएगा इसका प्रेशर राइट में कितना हो जाएगा थ्री बाई टू भी आ जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे ध्यान से एस टू प्लस थ्री बाई टू भी आ गया एन टू का प्रेशर वन माइनस पी अंटास्ट है ठीक है अब टोटल प्रेशर क्या हो गया इन सब का समीशन लेना होगा इन सब का समीशन तो इन सब का समीशन किसके बराबर है वन पॉइंट एट सिक्स के बराबर है, है। उससे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा देंगे उसके बाद क्या करेंगे पी वी इक्वल टू एनआर टी किस पर लगा देंगे वाटर पर वॉल्यूम बताए टेम्परेचर बता है तो आपको वाटर का प्रेशर पी आ जाएगा वाटर का प्रेशर पी आ गया तो फिर क्या करेंगे जो, तो जो शुरू में प्रेजेंट थे और उसका वेट आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक चलिए क्या बोला गया हाउ मेनी टाइम्स इज द आर एम एसीड ऑफ मॉलिक्यूल इन एट ग्राम ओ टू गैस एट ट्वेल्व हंड्रेड कैलोवीन एंड टेन बार रिलेटिव टू देखिए इसमें करने के लिए आपको भाई RMS speed is proportional to क्या होता है 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 पर दोनों में गैस ही है तो आर एम एस की प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गई रूट टी के साथ हो गई ठीक है आर एम एस की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ हो गई रूट टी के साथ हो गई तो हाउ मेनी टाइम्स मॉलिक्यूल एट ट्वेल्व हंड्रेड कैलविन इज रिलेटिव टू आरएमएस स्पीड एट 300 हंड्रेड कैलविन तो आपको रूट को देखना है सिर्फ तो ये क्या हो गया अंडर रूट फोर यह क्या हो गया टू टाइम्स हो गया आंसर आ गया ठीक है तो ये जो मास दिया हुआ है ये जो प्रेशर दिया हुआ है सब कंफ्यूज करने के लिए इसका कोई यूज बच्चों नहीं है ठीक चलिए आगे बढ़ते गैसेस मिक्सर है दो गैसेस है ए और बी के एग्जर्ट वन पॉइंट सिक्स एटीएम प्रेशर इन वन लीटर कंटेनर एट थ्री हंड्रेड कैल्विन गैस ए को प्लेस किया जब दो लीटर के बर्तन में तीन सौ कैलिन पर सेम अमाउंट इट ओके द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसीयस मिक्सचर ठीक है तो अब क्या है गैसीयस मिक्सचर है दो गैसेस का ए और बी का उसका प्रेशर कितना है वन पॉइंट सिक्स ए प्रेशर ठीक है वन लीटर में तीन सौ कैल पर ठीक तो क्या हम इससे डेंसिटी निकाल सकते हैं डेंसिटी निकाल सकते हैं अब आगे जब गैस को प्लेस किया हमने दो लीटर के बर्तन में एट तीन सौ कैलविन सेम अमाउंट एट इवन गैस इज प्लेस इन टू लीटर कंटेनर एट थ्री हंड्रेड कैलविन सेम अमाउंट ऑफ इट एक्जैक्ट पॉइंट सिक्स ए ओके तो यहाँ पर देखिए क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर कॉन्सटेंट है तीन सौ कैलविन तीन सौ कैलविन वॉल्यूम वन लीटर से क्या हो गया दो लीटर हो गया वॉल्यूम वन लीटर से क्या हो गया दो लीटर हो गया ठीक है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ए और बी का मिक्सचर है एक लीटर का बर्तन है कितना प्रेशर लगा रहा है यहाँ लगा रहा है प्रेशर वन पॉइंट सिक्स एटीएम यहाँ पर प्रेशर कितना लगा रहा है ठीक है थीके? अब आगे क्या बोला जा रहा है सेम अमाउंट ऑफ ए को हम इसे ए को लाए दूसरे बर्तन में दो लीटर के बर्तन में टेम्परेचर सेम है अब यहाँ सिर्फ ए है और ये प्रेशर लगा रहा है कितना भाई पॉइंट सिक्स ए यहां पर प्रेशर वॉल्यूम आधा प्रेशर डबल ये वन पॉइंट टू होगा तो ये पॉइंट फोर होगा हेलो ये समझ में आया क्या ये वन पॉइंट टू और पॉइंट फोर ये पार्शियल प्रेशर होगा ये क्या हो गया पार्शियल प्रेशर तो जो ए का मास कितना है ट्वेंटी बी का मास कितना है चालीस अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है पार्शियल प्रेशर होता है पी ए बराबर एक्से इंटू पी टी पी ए 1.6 टी 1.2 इंटू वन पॉइंट सिक्स तो एक्से तो की वैल्यू क्या हो गई ट्वेल्व बाई स ट्वेल्व बाई स क्या हो गया थ्री बाई फोर तो मतलब ये सेवेंटी फाइव परसेंट है और ये ट्वेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट मोलर मास चाहिए तो अगर हमारे पास चार मोल मिक्सचर है, तो ये तीन होगा और ये एक होगा तो इसका मो, इसका मोलर मास अगर निकाला जाए तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्सटी प्लस वन इंटू फोर्टी अपॉन टोटल मोल्स कितने होगा गए थ्री प्लस वन फोर सिक्सटी प्लस फोर्टी कितना होता है हो भाई हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड बाई फोर कितना हो गया ट्वेंटी फाइव मोलर मास हो गया ट्वेंटी फाइव हमसे मोलर मास पूछा गया वेपर डेंसिटी पूछा गया वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी क्या होगा इसका आधा हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव अब क्या बोला गया है डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस दिया गया है डेंसिटी एट पिस एंड दिस पूछा जा रहा है तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है डेंसिटी क्या होता है पी एम बाई आर टी डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है पी एम बाई आर टी आपको डेंसिटी दिया गया है और फिर आपने टेम्परेचर वगैरह को बदल दिया तो आप क्या करेंगे डी वन बाई डी टू की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी बताइए डी वन बाई डी टू की वैल्यू पी वन एम वन बाई टी वन इन P2 by P2 M2. रख दीजिए सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाए ठीक क्या बोला गया है एक लीटर गैसियस मिक्सचर है फ्यूज हो रहा है पांच मिनट में जबकि एक लीटर ऑक्सीजन जो है उसको फ्यूज होने में दस मिनट लगता है ठीक है तो भाई ये पांच मिनट में फ्यूज हो रहा है ऑक्सीजन को डबल टाइम लग रहा है मतलब मिक्सचर जो है ऑक्सीजन से डबल स्पीड से भाग रहा है ठीक है चलो भाई अब आपको गैसियस मिक्सचर में दिया हुआ ये दोनों है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर ठीक है चलिए कैसे सॉल्व होगा आर टू बाई आर वन टू टाइम्स हो गया इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट सिक्सटीन अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये चाहिए तो हमने फॉर्मूला लगाया आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू बाई एम वन और अंडर रूट डी टू बाई डी बाई तो ऑक्सीजन का डी टू कितना होता है वेपर डेंसिटी मोलर मास होता है थर्टी टू तो वेपर डेंसिटी सिक्सटीन ठीक है तो अब इसको स्क्वायर करिए तो फोर इक्वल टू सिक्सटीन बाई वी डी तो की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर vd की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर सॉल्व हो गया हाँ अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है अच्छा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ना ये z वर्सेस p पर जेई ने क्वेश्चन दिया था z वर्सेस p का जेई का क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन का जेड पी कर ऐसा चलता है 273 सेवेंटी थ्री के लिन पर ये वन है बाकी ज्यादातर गैस यो टू यो टू का कर्व ऐसा चलता है ना हाइड्रोजन का ऐसा चलता है बाकी गैसेस का 273 पर ऐसा होता है ये एनसीआर का ग्राफ है जयप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब पढ़िए पहला हाइड्रोजन गैस P बराबर दो सौ ए टी एम टी बराबर दो सौ तिहत्तर ये जीरो ए है दो सौ ए टी एम यहाँ का होगा यहां पर देखिए क्या Z मोर देन वन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू वन यस ये तो सही है अट्रैक्टिव ट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट नहीं Z अगर एक से ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट पी इक्वल टू एनआर नहीं और अगर Z जब रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट होते हैं तो B इंपॉर्टेंट होता है ए मिसिंग A इज फॉर अट्रैक्शन एंड B इनडायरेक्टली इज फॉर रिपल्शन तो देखो भाई A मिसिंग है तो A मैच हो गया P और S से अब आते हैं B हाइड्रोजन गैस P टेंडिंग टू जीरो अब देखो इसकी बात हो रही है यहाँ पर P टेंडिंग टू जीरो मतलब आप वाई एक्सिस के पास आ रहे हो तो क्या उसका जेड टेंडिंग टू वन आ रहा है जेड टेंडिंग टू वन आ रहा है तो कम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉट इक्वल टू वन नहीं कम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू वन अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट ही अट्रैक्टिव रिपल्सिव कैंसिल होने लगेंगे कैंसिल होने लगेंगे क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो गई वन हो गई अब पी वी इक्वल टू एनआर टी यस आइडियल गैस सिचुएशन आने लगा पी वी इक्वल टू एनआरटी ठीक है और इसमें सी ओ टू के लिए भी सॉल्व कर लेंगे सी ओ टू विथ लार्ज मोलर वॉल्यूम लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया है कि प्रेशर टेन हो गया है जीरो को तो सी ओ टू का भी जब लार्ज मोलर वॉल्यूम तब यहाँ पे आने लगेंगे जेड टेन इन टू वन पी वी टू एन ठीक है बाकी तो ग्राफ से सॉल्व हो जाएगी सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है भाई आरएमएस एम अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाने यू आर एम और यू आर तो इसको जैसे मैं सॉल्व करके दे देता हूं ऐसे ही सब सॉल्व हो जाएंगे तो यू क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री कितना है ट्वेल्व हंड्रेड अपॉन एम का कितना होता है सिक्सटी फोर इस यू आर एम एस ओ टू अंडर रूट थ्री और टी कितना है सिक्स हंड्रेड अपॉन एम कितना है थर्टी टू ये रेशियो निकालना है ये रेशियो निकाल देंगे ऐसे ही सारे सॉल्व हो जाएंगे ओके बच्चों थैंक यू